नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। अंकित जी, किस तरह से रोल है ट्रस्ट फिल्म में आप? इसमें मेरा एक बहुत अच्छा किरदार है और इसमें मैं लीड कर रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं जो आज ट्रस्ट के ऊपर, जो ट्रस्ट एक टूटता जा रहा है लोगों का, जो माँ बाप बच्चों पे भरोसा करते हैं उनका वो भरोसा टूटते जा रहा है अपने बच्चों पर से, क्योंकि बच्चे कुछ भी बोल करके घर से कुछ भी लेके चले जा रहे हैं, कुछ भी करें, ऐसा हमारे फिल्म का। तो पूरी कोशिश है कि ये फिल्म से हम जितना ज़्यादा बदला ला सके, लेकिन कहते ना अकेला चना भाड़ नहीं फैलता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे, और हम अपने फिल्मों से हमेशा यही सीख देंगे कि कुछ अच्छी चीज़ें और अच्छा परिवर्तन आए हमारे युवाओं में, एक अच्छा जोश आए, और जो आज नशे की धुत लत लगी है लोगों को वो छूटे, उससे सब अलग हों, और एक अपना जो फैमिली, जो माँ बाप एक अपने बच्चों से ट्रस्ट करते हैं उस पर वो खड़े उतरे। माध्यम से हम दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि जो भी बच्चे हैं, हम यही बताना चाहेंगे कि जो भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों पे इतना भरोसा करते हैं, इतना ट्रस्ट करते हैं, जो भी वो काम करते हैं तो थोड़ी उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि आजकल बहुत ही ट्रस्ट टूटता चला जा रहा है। और एक्चुअली इस मूवी में मैं करती भी यही हूँ। इस मूवी में मुझे अपने जाल में फंसा लेती हैं, जो इनको मैं अपने प्यार के जाल में फंसाती हूँ, और ये मेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, और उसी ट्रस्ट में ये अपने पेरेंट्स को छोड़ के आ जाते हैं, और फिर मैं इनको छोड़ के जाती हूँ, लास्ट में धोखा दे देती है, घर का लगाड़ कर रह जाता हूँ मैं। देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है। जो हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं अभिषेक मिश्रा प्रिंस जी और हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर यश के शर्मा जी, दोनों ने जो मेरे पर भरोसा जताया इस ट्रस्ट मूवी को लेकर के, मैं उन दोनों को बहुत नमन करूँगा कि मुझे आज इस काबिल समझे कि मैं इस फिल्म में काम कर रहा हूँ। मैं बहुत साथ ही धन्यवाद करता हूँ मीडिया बंधु का, जिनके माध्यम से हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। और जैसा कि मैं अपने लाइफ का फर्स्ट हिंदी मूवी जो एज ए लीड करने जा रहा हूँ, वो ट्रस्ट, जो है पोस्टर आप देख रहे हैं, तो बहुत ही सस्पेंस कहानी है, मज़ेदार कहानी है। आप लोग अभी फिल्म बनेगी, आप लोग तब ट्रस्ट एक्चुअली अलग अलग किस्म का होता है, मतलब जैसे काफ़ी पहले बताया कि भाई पेरेंट्स के ऊपर ट्रस्ट करना, लेकिन सिर्फ पेरेंट्स के ऊपर ही नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब, कभी कभी प्यार में भी लोग ट्रस्ट करते हैं कि ये मुझसे प्यार करती है, उससे प्यार करती है। आजकल कोई किसी से प्यार नहीं करता, सिर्फ दौलत का नशा है, और दौलत के नशे में आदमी एक दूसरे का विश्वास खो चुका है। तो शायद कहानी थोड़ी सी मर्डर, सस्पेंस और थ्रिलर है, जो आपकी मज़ा देगी इस फिल्म में। संगीत थोड़ा सा रोमांटिक है, और इसमें बहुत ज़्यादा आप ये नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे हर फिल्म में बोलते हैं कि मेरा म्यूज़िक एकदम हटके है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल स्वीट और लवेबल म्यूज़िक है। कितने गाने हैं और इस फिल्म को शूटिंग कहाँ पर करने वाले हैं? इस फिल्म में 3 से 4 गाने हैं, और इसका शूट हम लोग इलाहाबाद, बनारस और सोनभद्र में करेंगे। मेरा नाम शांति है, और ये फर्स्ट मूवी है, हिंदी मूवी मैं कर रही हूँ। मैं एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए, क्योंकि स्टोरी भी अच्छी है, सब साथ में जो लोग कैरेक्टर कर रहे हैं उन लोग सब लोग भी अच्छे हैं। ये आपकी पहली मूवी है? इसके पहले एक्चुअली मतलब एक्टिंग मैंने किया है, बट मूवी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। सारा सवाल आपने पूछा, लेकिन फिल्म पे पूछा नहीं, मैं कर क्या रहा हूँ। इसमें एक्चुअली मेरा एक किरदार एक अय्याश किस्म का है, थोड़ा सा लैविश है, रिच पर्सन है, और जो बाकी दो दोस्तों को एकदम अपने दौलत के नशे में उनको तबाह कर देता है। स्टार कास्ट, ये हमारी एक ऐसी स्टोरी है सर कि जो इसमें स्टोरी ही स्टार है, जो स्टोरी खुद में अपने आप में स्टार है, जिसमें 3 करेक्टर हैं, तीनों स्टार हैं। लेकिन करेक्टर की बात करें तो जहाँ तक है मेरा ख्याल कि करेक्टर जितने भी हैं सब अपने आप में दमदार करेक्टर हैं, जो आप लोग देखोगे बहुत ही अच्छा। ऐसा मैं उम्मीद करूँगा, बहुत ये सराही जाएगी, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अरविंद भाई इसे बहुत ही प्यार से लिखा है और सबको पसंद आया। पहले मैं दर्शकों को नमस्कार बोलना चाहूँगा, और मेरा नाम शुभम शर्मा है। और सर मैं ये बताना चाहूँगा, सारे जो भी स्क्रिप्ट बताए गए अभी आपको, तो
जो भी सर बोलेंगे अभी, ये सर बोलने वाले हैं। छोटे भाई हैं मेरे, मैं राजेश मिश्रा गीतकार। और फिल्म की कहानी तो बहुत अच्छी है, अंकित के मुंह से, अंकित ने हमको बताया कि भैया ये टाइटल है, अच्छा लगा हमको। सॉन्ग इसमें मेरे ख्याल से 2 या 3 गाने ही हैं, हिंदी फिल्मों में वैसे भी कम गाने रहते हैं, भोजपुरी में तो ज़्यादा रहता है। तो अब गाने बनेंगे किस ढंग के गाने हैं इसमें, मैं सोचा हूँ सवाब साबरी जी से भी गवाऊँगा मैं, आलोक कुमार सिंगर सुर संग्राम विजेता वो भी गाएगा, म्यूजिक भी राजेश दुबे अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है, बहुत अच्छा काम करता है, और मेरे तरफ से आशीर्वाद है सारे आर्टिस्टों का कि फिल्म ये लोग अच्छी बनाए। डायरेक्टर छोटा भाई है मेरा संजय श्रीवास्तव, बहुत अच्छा काम करता है, उसकी कम से कम 4-5 फिल्मों में मैंने गीत लिखा है। मेरे तरफ से आशीर्वाद है बस, फिल्म ये लोग अच्छे बनाए, डायरेक्टर का काम है, बाकी गाने के लिए हम लोग तो। ये कहानी ट्रस्ट है, इसका नाम ट्रस्ट रखा गया है, और ख़ास तौर पे ये पेरेंट्स को ये मैसेज है कि जैसे होता है ना कि पेरेंट्स अगर बच्चे के जिद पर अगर जरा सा भी कुछ बच्चे ने कहा कि पापा मुझे ये चाहिए, तो उन्होंने जरा सा ट्रस्ट कर लिया कि यार बच्चा बोला तो ठीक, बोल रहा तो ठीक, लेकिन कभी उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि बच्चा वो चाहिए उसको जो जहाँ जाना है या फिर कहीं कुछ कर रहा है, तो जरा नोटिस कर। जैसे कि बाय द वे जैसे कि वो बच्चे ने बोला कि मुझे पापा एग्ज़ाम 2 महीने बाकी रह गया और मैं नाइट क्लास जाना चाहता हूँ, तो उस पेरेंट्स को नोटिस करना चाहिए मेरा लड़का सच में नाइट क्लास जा रहा है या कहीं नाइट क्लब के रास्ते तो नहीं घूम गया। तो ये सारी बातों को खासतौर पेरेंट्स को एक मैसेज दिया गया है। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।